मसूरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसकी खूबसूरती देख अंग्रेजों तक के होश उड़ गए थे। पर मसूरी के इतिहास में ऐसे कुछ राज हैं जो लोगों को आज भी डराते हैं। सन 1996 में बंद हुई लंबी डहर माइंस भारत की तीसरी सबसे भूतिया जगह में आती है। लोगों के अनुसार यहाँ रातों को डरावनी आवाज़ें आती हैं। कभी चूना पत्थरों के कटने की आवाज़ से गूंजती ये जगह, आज डरावनी चीखों से गूंजती है। लोगों के अनुसार यहाँ छल और आहट आम बात है। लोगों के मुताबिक यहाँ 10,000 लोगों की मृत्यु जहरीली हवा से हुई थी। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, काफ़ी टाइम पहले रात को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास की बात थी, तो वो जब यहाँ से आ रहा था तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और बहुत लाइट वाली, तो लाइट उसकी आंखों में पड़ी तो वो गाड़ी उसने बचाने के चक्कर से वो गाड़ी बचाई जैसी, तो वो गाड़ी दीवार की तरफ को ले गया। अगर वो गाड़ी दीवार की तरफ नहीं ले जाता तो गाड़ी सीधा खाई मेरी, बट जैसे ही उसकी गाड़ी ठुकी तो थोड़ा सा ठीक होकर उतरा तो एकदम उसने देखा कि कोई गाड़ी ही नहीं आसपास। आपको यहाँ पे थोड़ा घूमते हुए कुछ सिक्योर लगा या फिर ऐसा लगा कि आपके साथ ना कोई इंसिडेंट हो जाए? हाँ, अंदर जाते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ थोड़ी डरने लाइक लग रही। एक दिन और बीत चुका था, राज और गहरे साबित हो रहे थे। जिज्ञासा ने हमें रास्ता दिखाया और अगली सुबह मुलाकात हुई एक नए व्यक्ति से, जो कि पास के ही गांव बासागढ़ के प्रधान बाली राम जी थे। ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ पे बचपन से हमारे माँ बापों ने भी इसमें माइन पे काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र से किसी से भी आप पूछेंगे यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे अभी खड़े हैं तो बासागाट कहलाते हैं, जो माइन है वो बासागाट के अंतर्गत आती है। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहते हैं भूत प्रेत है और इस तरह का मामला है। तो मेरा ये कहना है कि सब अफवाहें हैं और ये माइंड में ऐसी कुछ बात नहीं है। आसपास के आपके गांव के पंचायत के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे कोई खौफ रखते होंगे? ऐसा कुछ नहीं, हमें गांव वालों किसी को भी बोल दो जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, वो तो रात को अकेला चलने को भी तैयार है, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। बाली राम जी की बताई बातों से यही पता चल रहा था कि इन खंडोरों में भूत प्रेत जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। मगर उन लोगों का क्या जिन्होंने यह सब अपने साथ होते हुए देखा। कुछ खोजबीन के बाद हमें एक ऐसे ही शख्स मिले जिन्होंने खुद पर बीती हुई एक रूह को झंझोरने वाली बात बताई। हमने भी फील कर रखा, लोगों से भी सुना हुआ। अंधेरे में तो कोई दिखाई नहीं देता, रहता ही नहीं कोई यहाँ पे, पता है लोगों को कि यहाँ थोड़ा बहुत खतरा है। हमने एक बार करा था यहाँ पे नाइट स्टैंड है, आ जाओ आप, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भाई जी हमने उस दिन करा था नाइट स्टे ना, हम थे तीन फ्रेंड, तीन फ्लोर हैं, हम बैठे हुए थे सबसे ऊपर वाले में। अब देखो शाम को हम 6 बजे आए थे भाई जी, दारू दूरू सब ले रही थी, हम तीन बंदे बैठे हुए थे भाई जी, आराम से बैठे हुए थे, रात के 2 बजे एक ही बारी में आवाज़ आई बच्चे के नीचे से। भाई एक दूसरे को देखा, तीनों ने बोला हमने कुछ नहीं, आग वो बोतल बोतल थी सब यहीं छोड़ के नीचे भाग गए। था कुछ वो, मतलब ना असल में तीनों का एक साथ फील हुआ था वो कुछ। आयुष के मुताबिक घटी यह घटना वह कभी अपने जहन से नहीं निकाल पाएगा। आयुष की कहानी जानकर इस कहानी में उलझनें और बढ़ चुकी थी और उन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए सफर चलता रहा। शाम होने से पहले हमें मिले एक ऐसे व्यक्ति जो ना सिर्फ उस माइन के बारे में जानते थे बल्कि कभी उन्होंने उस माइन में काम भी किया था। उस टाइम पे मेरी उम्र रहेगी 22-23 साल, 90 में करा था, 90 जो वो इंसिडेंट हुआ था ना, वो पॉल्यूशन से। अच्छा, उस इंसिडेंट में उसमें कोई आदमी नहीं मरे थे, ये सब बकवास है,
पॉल्यूशन से कोई नहीं मरा था। गूगल के अनुसार यह खदान कभी 50,000 लोगों की रोजी रोटी का साधन हुआ करती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ यह खदान बंद होने पर मजबूर हो गई? पूरा डस्ट ही डस्ट फैला रहता था, ठीक है। उसके बाद जब ये कोई संस्था थी, एक सामाजिक संस्था थी, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसके परिपेक्ष में ये निर्णय आया कि इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि माइनिंग तो हो नहीं सकती है। अगर ये माइन होती तो माइन से सरकार प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर टूरिस्ट के लिए सब किया जाए तो ये बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है टूरिस्ट के लिए। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक, कुछ लोग पुराणों पर विश्वास करते हैं, कुछ आने वाले भविष्य पर आखिर में बात यही आती है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि रास्ते दो तरह के होते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप कौन सा चुनते हैं।